दोस्तों नमस्कार भाई, आज बारी है रेबीज वैक्सीन के बारे में कंप्लीट बातें जानने की। वो कौन से मुख्य बातें हैं, वो कौन से मुख्य बिंदु है जिनके बारे में अगर आपने लापरवाही की तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की भी बातें करेंगे, इस वैक्सीन की ऑल ओवर डिटेल जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, किस तरीके से लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है, कब कैसे और कहाँ यूज करना होता है, कंप्लीट बातें आज के इस छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, रेबीज वैक्सीन मार्केट में वैसे तो कुछ कंपनियों की आती है, वहीं पर हमारे मोहन भाई ने यहाँ ली है और वो है रक्सा रब जो कि इंडियन इम्यूनोलॉजी कंपनी की है। और यहाँ जो आपको वायल दिख रही है ये 10 ml की है, बाकी ये 10 ml की भी आती है तो ये 1 ml की भी आती है, यानी कि दो पार्ट में दो तरीके की आपको मार्केट में मिलेगी। 10 ml की आती है 400 से 500 के बीच रेट इसकी है, और जो 1 ml की आती है शायद 140 से 160 के आसपास इसकी रेट है, जो आपको कमीशन बेस पे या कितना भी जो भी छूट मिलती है उसके हिसाब से आपको मिल सकती है। हो गई भाई बात। 10 ml किनको यूज करनी चाहिए? 10 ml उनको यूज करनी चाहिए जहां पर मान लीजिए कि डॉग्स ज्यादा है, या फिर डॉग बाइट ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक साथ दो केस आपके पास आ गए, क्योंकि एक केस में 6 ml लगती है, तो अगर दो केस मान लीजिए आपके पास आ गए हैं तो आप 10 ml यूज कर सकते हैं, अदरवाइज 1-1 ml यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के पीछे सबसे बड़ी जो और महत्वपूर्ण बात जो है वो है इसका कोल्ड चैन मेंटेनिंग। अगर आप ये यूज कर रहे हैं, यानी कि रेबीज वैक्सीन यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और अगर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की है तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें होता है। तो पहली बात मैं यहां लिखना चाहूंगा और वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन कितनी होनी चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लीजिए भाई, ये जो पैमाना है तापमान का, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई आपने जहां पर ये वायल रखी है मान लीजिए फ्रीजर में रख ली और जम गई तो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री से कम चलेगी। और अगर ये 8 डिग्री से बाहर, यानी कि फ्रीज में लाइट नहीं है, या फ्रीज खुला रह गया है, या फ्रीज से बाहर आपने 10-15-20 मिनट रख दी है तो भाई ये खराब हो जाएगी। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही बातें, कम और ज्यादा वाली, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी डोज को समझना पड़ेगा। कई भाइयों के प्रश्न आते हैं डोज को लेकर के। देखिए, चाहे आप किसी बड़े जानवर को लगा रहे हैं 7-8 क्विंटल वाले को, चाहे आप 7-8 किलो वाले को लगा रहे हैं, डोज मात्र एक है और वो है 1 ml। बस इसको आप याद रख लीजिए कि डोज कितनी है, मात्र 1 ml इसकी डोज पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और बता दूं कि आपको हमेशा ही रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक से ही इसको लगवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो ये आ गई। इसके अलावा अगली बात अगर हम करें तो किसी भी बीमार पशु को इसको नहीं लगाई जाती है, यानी अगर कोई पशु बीमार है तो उसको आपको नहीं लगाना है। अब आप कहेंगे कि सर कोर्स चल रहा था और तीसरे चौथे पे वो बीमार हो गया तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में अगर पशु चिकित्सक चाहे तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले से कोर्स चल रहा है तो उस स्थिति में लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने मान लीजिए कोर्स शुरू किया है तो वहां नहीं लगा सकते। ये देखिए, ये वैक्सीन जो है वो दो प्रकार की लगती है। एक लगती है प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन। प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन का मतलब होता है कि कुत्ते ने नहीं काटा, आप इसको पूर्वानुमान के हिसाब से, यानी प्रिवेंशन के तौर पर आप लगा रहे हैं, यानी बचाव के तौर पर आप लगा रहे हैं, डॉग बाइट नहीं हुआ है, ठीक है, इसको प्रोफाइलैक्टिक कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो होती है कुत्ते के काटने के बाद जो लगाते हैं उसको पोस्ट डॉग बाइट कहते हैं, यानी कि कुत्ते के काटने के बाद, ठीक है। तो ये दो प्रकार से वैक्सीन लगती है, इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको इस्तेमाल करवाना है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो बचाव के लिए, नॉर्मली बचाव के लिए लगाते हैं तो उस समय जो मैंने आपको ये डोज बताई है 1 ml, उतनी ही लगाई जाती है। लेकिन रूट क्या है? रूट आप समझिए, रूट इसका दो रूट है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक है वो है सबक्यूटेनियसली, यानी इसको चमड़ी में लगाया जा सकता है किसी भी पशु को, और दूसरा जो है वो है IM, यानी इसको इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है। लेकिन विशेष ध्यान रखें, हाइपोडर्मल नहीं जानी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि कोई प्रैक्टिशनर मान लीजिए पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है और कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, हालांकि ट्रेंड
होना आजकल बड़ी बात नहीं है। जो भी प्रैक्टिशनर फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी तरीके की समस्याएं आती है तो ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन सेशन है, जो कि आप ये मानिए यूनिक ऑनलाइन सेशन, लाइफ चेंजिंग ऑनलाइन सेशन, ये हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। और इस सेशन में हम वो सारी चीजें ले लेते हैं जो फील्ड वर्क से जुड़ी हुई होती है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई वर्क है, कुछ भी हो, सब कुछ एड टू जेड वहां होता है, तभी इसको लाइफ चेंजिंग कहा जाता है। अब ये जो सेशन है वो हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, ज्वाइन करके और आप हर क्लास में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहां डेमो क्लासेस भी है, वो भी आप ले सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था रूट की, तो रूट जो है वो सबकट और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से लगता है। सबकट में किसी भी सूरत में चमड़ी के भीतर नहीं जानी चाहिए, चमड़ी के नीचे जानी चाहिए, यानी चमड़ी और मांस के बीच में जो परत है वहां जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये चमड़ी है, इस तरीके से आपने चमड़ी को ऊपर उठाया तो मांस तो उठेगा नहीं, मांस सीधा रहेगा, लेकिन चमड़ी की जो लेयर्स है वो देखो तीनों लेयर्स साथ में उठेगी, ये देखिए। अब यहां मेन बात समझने की यही है कि आपको इस खाली जगह में लगाना है, इसमें जो जगह मांस और चमड़ी के बीच में, ना कि इस जगह जहां पर चमड़ी की परतों के बीच में, किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये आ गई। इसके बाद जो बात है वो क्या है, वो है बचाव में जब भी आप लगवाते हैं, जैसे डॉग्स में ये ज़्यादा यूज होता है, बचाव वाला प्रोफाइलैक्टिक जो वैक्सीन है वो डॉग में ज़्यादा यूज होती है, जब भी वो 80 से 90 दिन का होता है उस समय एक डोज लगाई जाती है, उसके बाद ठीक 28 दिन बाद उसका बूस्टर लगाया जाता है, और उसके बाद हर 6 महीने से या 1 साल से उसको रिपीट किया जाता है हर बार। वही अगर मान लीजिए जहां डॉग बाइट ज्यादा होते हैं, रेबीज के होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, किसी अन्य जानवर को भी लगाया जाए तो उसी हिसाब से प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन लग सकती है। लेकिन डॉग बाइट होने के बाद जो वैक्सीन लगती है उसके लिए अलग एक प्रोटोकॉल होता है। कौन सा होता है भाई, उसमें देखिए दिन होते हैं अलग अलग, 0, 3, 7, 14, 28 और 90, इन दिनों में लगाना होता है। यानी पहला जब भी आप वैक्सीन लगाते हैं, जिस समय डॉग बाइट हुआ है उसके बाद जितना जल्दी हो सके लगाएं, पहली बात ये। और दूसरी बात, जब भी आप पहली वैक्सीन लगाते हैं, मान लीजिए आज किसी पशु को डॉग ने खाता है और आप कल लगा रहे हैं, तो ये 0 डे जो है वो कल वाला गिना जाएगा, और अगर आज लगा रहे हैं यानी पहले दिन जो वैक्सीन लग रही है उसको हम 0 डे गिनेंगे, ये विशेष बात है। तो 0 डे आपने गिना और उस हिसाब से दिनों की संख्या आपने लगा ली, और ये पूरी की पूरी वैक्सीनेशन, पूरा वैक्सीनेशन होना जरूरी है, ये भी विशेष ध्यान दें। कई कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कुत्ते ने काटा है तो 3 लगवा लीजिए, ये 3 का क्या फंडा है भाई, ये 3 का जो फंडा है इसको भी समझिए क्या है। 3 वाला जो फंडा है वो ये है कि 0, 3 और 7, ये 3 वैक्सीन जब लगाते हैं उस समय हमें ये सोचना है कि क्या वो डॉग जिसने काटा था वो इन 3 वैक्सीन के लगते लगते 14 यानी कि 15 दिन हो गया, क्या वो 14 दिन के भीतर भीतर मर गया क्या। अगर वो 14 दिन के भीतर भीतर पागल हो जाता है या मर जाता है तब तो आगे की तीनों वैक्सीन लगना अनिवार्य है, अदरवाइज प्रिकॉशन के लिए 3 जो लगाई गई थी वही बहुत है। जिस डॉग ने काटा था वो हंस रहा, खेल रहा, आराम से मस्ती में मस्ती कर रहा है, आप लोगों के पास ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है और आगे के 3 लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुरुआत के जो 3 है ना वो भाई लगने जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि बाय द वे 7वें दिन कुत्ता मर गया, 7वें दिन पागल हो गया, जिस कुत्ते ने आपकी गाय भैंस को काटा वो 7वें दिन पागल हो गया, तो फिर क्या करोगे, फिर ये जो 0 डे है वो 7 डे पे आ जाएगा। और ये जो गैप बना है ना, ये गैप रिस्क फैक्टर कहलाता है, और ये रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएगा, जितना लंबा गैप उतना ही रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा। तो खर्चा लगाने के बावजूद रिस्क रहती है, और खर्चा क्या लगना है यार, मैंने कहा 400 से 500 के बीच 10 ml की आ जाती है, तो कहां खर्चा है यार, कोई खर्चा नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा दवा ये यूज़ ना करें, किसी भी अन्य कंपनी की करें तो भी अच्छी दवा होनी चाहिए। एक्सपायर्ड दवा का इस्तेमाल कभी भी ना करना है, तो ये विशेष ध्यान दीजिए, और रूट का ध्यान रखिए। एक्सपायर्ड दवा जो है वो कभी भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अलावा जब भी दवा लगाई जाती है दवा को एक बार चेक किया जाए वाइल को, कि उसके अंदर कोई फंगल फॉर्मेशन तो नहीं है, उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, अगर फॉरेन पार्टिकल है तो तुरंत चेंज करवाई जाए, वो नहीं लगवाई जाए। और मेन चीज है वो है कोल्ड चेन की।
तो कोल्ड चेन का पूरा ध्यान रखा जाए। इस तरीके से अगर ध्यान रख के वैक्सीन और शेड्यूल का भी पूरा ध्यान रख के अगर लगाई जाएगी तो भाई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रेबीज वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि रेबीज बीमारी आप सभी को पता है अगर किसी भी गाय भैंस में हो जाती है तो वो हम में भी हो सकती है। इसीलिए इस चांसेस को खत्म करने के लिए कंप्लीट जानकारी लेना जरूरी है। हालांकि मैं जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें बोली है मैंने, तो कहीं कोई बात छूट गई है तो कमेंट के माध्यम से आप कंप्लीट कर दीजिएगा। कोई भी बात अगर आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से कंप्लीट कीजिएगा। मैं भी देखता हूं कि कितने विद्वान मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भाई कमी आपको निकालना है और कमेंट में जरूर लिखना है।